खबर कन्नौज से है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर टूटा है। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी है। बस में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, 18 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 9 की हालत गंभीर बताई जाती है। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम बचाव राहत कार्य में जुटी है। दिल्ली से लखनऊ की तरफ जा रही प्राइवेट स्लीपर बस जो दुर्घटना का शिकार हुई है, घटना ठटिया थाना क्षेत्र के पिपरौली गांव के पास हुई है। अच्छा, अब इतनी टाइम कहाँ निकली? सुबह पार निकली है।